हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं एयर ब्लैडर से। तो आपके एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप का होगा, एयर ब्लैडर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एयर ब्लैडर एंड मेंशन इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एयर ब्लैडर भी आ सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर एयर ब्लडर कनेक्शन एंड फिसेज, और इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको बताना है एयर ब्लडर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एयर ब्लडर क्या होता है? एयर ब्लडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सैक होता है जिसमें गैस भरा होता है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैस भरा होता है। और ये कैसे अराइज होता है? ये गट से अराइज होता है, आउट ग्रोथ ऑफ गट होता है जो कि डॉर्सल साइड से होता है, और ये वर्टिबल कॉलम की वेंट्रल साइड होता है। ये जो होता है ना, ये आपके गट और वर्टिबल कॉलम के बीच में होता है, और ये डॉर्सल साइड होता है यानी डॉर्सल आउट ग्रोथ ऑफ गट होता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो बोनी फिसेस होती हैं, रे फिंड फिसेस होती हैं, उनमें पाया जाता है, कार्टिलेजनस फिसेस में ये नहीं होता है। और ये क्या करता है, बायोन्सी मेंटेन करता है डिफरेंट फिसेज में, और इसीलिए इसको स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। बायोन्सी क्या होता है, जो बायोन्सी कह सकते हैं जो वाटर में फिसेज होती हैं उनकी एबिलिटी होती है या तो सिंक कर जाए या तो फ्लोट करे। तो उनकी एबिलिटी है वाटर के अंदर सिंक कर जाए या फ्लोट करें, उसको ही बायोन्सी कहते हैं। तो ये डिफरेंट डेप्थ में फिसेज में बायोन्सी को रेगुलेट करता है और इसी कारण इसको स्विम लैडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे TS देख सकते हैं, TS ऑफ अ फिश शोइंग अ पोजिशन ऑफ एयर ब्लैडर, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें एयर ब्लैडर कहाँ पे है। तो वर्टिकल कॉलम के वेंट्रल में बताया मैंने, और गट के डॉर्सल यानी गट का जो होता है डॉर्सल आउटग्रोथ होता है, तो इसीलिए ये बीच में होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्टिबल कॉलम हो गया और एयर ब्लैडर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक होता है, इसमें गैसेस फिल्ड होती हैं, डिफरेंट गैसेस फिल्ड होती हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। बाकी ये रिब्स है और ये आपका डक्ट निमाटिक्स है। डक्ट निमेटिक्स क्या होता है, मैं निमेटिक डक्ट आपको बताऊंगी। ये ऐसा डक्ट होता है, ये जो बीच का डक्ट है इसे कहते हैं, जो कि ईसोफेगस और एयर ब्लैडर को कनेक्ट करता है। यानी मान लीजिए आपका ये ईसोफेगस है और ये आपका एयर ब्लेडर, इसको कनेक्ट करने वाला जो डक्ट होता है उसको हम न्यूमेटिक डक्ट कहते हैं। और बाकी जो आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर है TS ऑफ एयर ब्लेडर, जो कि TS शो कर रहा है पोजीशन, पोजीशन शो कर रहा है एयर ब्लेडर का कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये वर्टिबल कॉलम और डक्ट के बीच में होता है, सॉरी गट के बीच में होता है, जो कि एक आउटग्रोथ होती है गट की। तो अब बात करते हैं गैसेस क्या होती हैं, यानी कौन कौन सी गैसेस एयर ब्लेडर में प्रेजेंट होती हैं, भरा होता है एयर ब्लेडर जो होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया गैस फिल्ड सैक होता है, तो इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो द गैसेस इन द एयर ब्लेडर आर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हैंस इट इज़ ऑल्सो टर्म एज गैस ब्लेडर, इसी की वजह से इसको गैस ब्लेडर भी कहते हैं। पोजीशन की बात करें तो द एयर ब्लेडर लाइज बिटवीन द गट एंड द वर्टिबल कॉलम, तो ये वर्टिबल कॉलम और गट के बीच में होता है। इट इज़ होमोलोगस टू द लंग ऑफ टेट्रापोड, ये होमोलोगस होता है टेट्रापोड के जो लंग होते हैं उन्हीं की तरह। इट ऑक्यूपाइज द सेम पोजिशन एज द लंग, जैसे टेट्रापोड में लंग पोजिशन ऑक्यूपाई करता है जो पोजिशन होती है, उसी तरीके से इनकी भी पोजिशन होती है। जो गट या गट का ही पार्ट होता है, गट से ही जो गट का ही पार्ट होता है ईसोफेगस, तो ये जो होता है ईसोफेगस के कैसा होता है, डॉर्सल आउटसाइड में होता है। तो ये देखिए, एयर ब्लैडर डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द ईसोफेगस, तो ये ईसोफेगस के डॉर्सल साइड से जो आउटग्रोथ होता है ना वो एयर ब्लैडर बनाता है। और इट रिसीव्स एन आर्टरी फ्रॉम द डॉर्सल अओर्टा, और ये डॉर्सल अओर्टा से आर्टरी भी रिसीव करता है। जबकि जो लंग होता है, लंग में डिफरेंसेस होता है कि जो लंग होता है ये एज अ आउट ग्रोथ वेंट्रल साइड से डेवलप होता है, ये आउट ग्रोथ है लेकिन ये वेंट्रल साइड से डेवलप होता है, जबकि जो एयर ब्लैडर है ये ईसोफेगस के डॉर्सल साइड से
डेवलप होता है, और ये फेरिंस के वेंट्रल साइड से डेवलप होता है, जो लंग्स होता है। जो लंग्स होता है ये ब्लड रिसीव्स करता है सिक्स्थ एओर्टिक आर्च से, ठीक है, सिक्स एओर्टिक आर्क से ये ब्लड रिसीव करता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपका फेरिंस हो गया, ये फेरिंस हो गया। अब इसमें ये जो एयर ब्लेडर दिखाया गया है, एयर ब्लेडर इन फेसेस में दिखाया गया है, ये फेरिंस है और ये एयर ब्लेडर है। ये पोजीशन देख सकते हैं, ये पोजीशन डॉर्सल साइड से होती है। तो यहाँ पे एयर ब्लेडर और पॉलिप्टेरस का दिखाया गया है, जिसमें बाइलोब्ड होता है, ये देख सकते हैं बाइलोब्ड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए ये देख लेते हैं एयर ब्लेडर किस तरीके से डेवलप होता है एम्ब्रियो में और एडल्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया जो कि डॉर्सल साइड है, आउटग्रोथ ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ ईसोफेगस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेरेटोडस का है और ये एयर ब्लेडर है, एयर ब्लेडर है पॉलिप्टेरस का। इन एम्ब्रियो द एयर ब्लेडर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द गट बाय द न्यूमेटिक डक्ट। जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो एयर ब्लेडर होता है वो हमेशा गट से न्यूमेटिक डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। मान लीजिए ये आपका इस तरीके से एयर ब्लेडर है और ये आपका ईसोफेगस या गट है, तो आपका यहाँ से ये हमेशा इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ज़रूर ये कनेक्टेड होगा, ये यही आपका न्यूमेटिक डक्ट होता है। तो हमेशा क्या होता है, न्यूमेटिक डक्ट से कनेक्टेड होता है। एंड दिस डक्ट इधर लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट और रिटेन थ्रू आउट द लाइफ। जब डेवलपमेंट होता है एडल्ट में तो क्या होता है, या तो फिर ये जो गट होता है या कुछ फिसेस में ख़त्म हो जाता है, या कुछ फिस जो फिसेस होती है इसको रिटेन कर लेती है लाइफ टाइम के लिए। तो जिसमें जिस एयर ब्लैडर में न्यूमेटिक डक प्रेजेंट होता है उसको हम फाइसोस्टोमस कहते हैं। फाइसोस्टोमस टाइप ऑफ फिसेस जो होती हैं जिनमें न्यूमेटिक डक्ट होता है, जो कि ईसोफेगस और एयर ब्लैडर को कनेक्ट कर रहा है, यानी गट से कनेक्ट कर रहा है, तो उसको हम फाइसोस्टोमस कहते हैं, जो फिसेस में होता है इस टाइप का। एंड फिसेस एयर ब्लैडर हैविंग नो न्यूमेटिक डक्ट इज सेड टू बी फाइसोक्लिस्टोस। सो फाइसोक्लिस्टस क्या होता है, जिसमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरीके से ये होता है, इस तरीके से आपका एयर ब्लैडर है और ये आपका गट है या ईसोफेगस है। तो ये देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, ये अलग सेपरेट है, ये अलग सेपरेट है। तो इस टाइप का जो प्रेजेंट होता है उसको हम फाइसोक्लिस्टस टाइप कहते हैं, ठीक है। फाइसोस्टोमस में क्या होता है, जो पहला टाइप जिसमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, न्यूमेटिक डक्ट को कनेक्ट, न्यूमेटिक डक्ट जो क्या करता है, ईसोफेगस और एयर ब्लेडर को कनेक्ट करता है, जो न्यूमेटिक डक्ट होता है। और कुछ ऐसी फिसेस होती हैं जिसमें एयर ब्लेडर में दो चैम्बर होती हैं, एक से या दो चैम्बर होती हैं, एयर ब्लेडर चैम्बर होती हैं। जैसे कि चैम्बर कैसा हो सकता है, जो चैम्बर दो चैम्बर में डिवाइड होती है, एंटीरियर चैम्बर भी हो सकता है, पोस्टीरियर चैम्बर भी हो सकता है। और ये दोनों जो चैम्बर होती है ना, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक ओपनिंग होती है जिसे हम डक्टस कम्युनिकेंस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरकनेक्टेड होती हैं बाय एन ओपनिंग कॉल्ड डक्टस कम्युनिकेंस। द इनर लाइनिंग ऑफ द एयर ब्लेडर मे बी स्मूथ और फोल्डेड टू फॉर्म सेक कॉल्ड एल्वुलाई एज इन लंग्स। जो इनर लाइनिंग होती है एयर ब्लेडर की अंदर की तरफ की, स्मूथ हो सकती है या फोल्डेड होती है, जो कि क्या करती है, एक सैक बनाती है, जैसे कि जिसे एल्वुलाई कहते हैं, जैसा कि लंग्स में होता है।
सम एरियाज ऑफ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एयर ब्लैडर आर हाईली वेस्कुलर एंड मॉडिफाइड टू सेकेंडरी एरिया कॉल्ड गैस ग्लैंड. तो कुछ इंटरनल एरिया जो होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है एयर ब्लैडर में, वो बहुत हाईली वेस्कुलर होती है और मॉडिफाई हो जाती है सेकेंडरी एरिया में, जिसे हम गैस ग्लैंड कहते हैं. एल्वियोलाई बनाती है, गैस ग्लैंड बनाती है. फिर अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग ईच गैस ग्लैंड इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड रेटी मिराबिल. जो गैस ये जो गैस ग्लैंड होती है ना, ये एक नेटवर्क होती है ब्लड वेसल का, जिससे इसी के अंदर एक क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल जिसे हम रेटी मिराबिल कहते हैं या रेटिया मिराबिला कहते हैं, जो कि और ये गैस ग्लैंड एंड रेटी मिराबिल आपस में क्या कहलाते हैं, रेड बॉडी कहलाते हैं. इन दोनों को हम रेड बॉडी कहते हैं. सो बेसिकली गैस ग्लैंड और रेटे मिराविल को ही आपस में जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों को कंबाइंड करके क्या कहते हैं, इसको रेड बॉडी कहते हैं. रेड जो रेड बॉडी होती है वो कंसर्न करती है, यानी इसका जो फंक्शन होता है कंसर्न विद रेस्पिरेशन एंड गैस सिक्रेशन. नेक्स्ट कम टू द हिस्टोमॉर्फोलॉजी ऑफ एयर ब्लैडर. तो जो लंग्स, जिस तरीके से लंग्स का हिस्टोलॉजी होती है, उसी तरीके से इसकी भी हिस्टोलॉजी होती है. ये भी म्यूकोसा से, इसका जो म्यूकोसा होता है इसमें लैमिना प्रोप्रिया होता है, इसमें भी क्या सब म्यूकोसा होता है, कोलिजन होता है और सिरोसा होता है. आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, मस्कुलैरिस को ही कोलिजन यहाँ पे कहा जा रहा है. और इसमें ना एक एडिशन होता है, इसमें क्या होता है, ये इसमें ग्वानिन क्रिस्टल भी होता है जो कि एम्बेडेड होता है कोलेजिनस मसल्स फाइबर में. यहाँ पे आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो ये वाली है इसको म्यूकोसा कहते हैं, और लैमिना प्रोप्रिया ये वाला हो गया, सब म्यूकोसा हो गया, और मस्कुलैरिस या कोलेजन हो गया. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या होता है, एडिशन होता है, जो कि क्रिस्टल्स होता है, जिसे ग्वानिन क्रिस्टल्स कहते हैं. बाकी जो लास्ट वाला है वो सिरोसा होता है. और जो ये क्रिस्टल्स होती हैं ना, ये इसको सिल्वरी अपीयरेंस देती है, यानी ये चमकता हुआ साइनी, इसमें थोड़ी सी चमक होती है, तो ये सिल्वरी अपीयरेंस देता है एयर ब्लैडर को. जब हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे ना, तो ये ग्वानिन क्रिस्टल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है. स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइसोस्टोमस एंड फाइसोक्लिस्टस टाइप ऑफ ब्लैडर. तो इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है. तो जो हमने फाइसोस्टोमस में पढ़ा था, इसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं होता है, जबकि फाइसोस्टोमस में न्यूमेटिक डक्ट होता है, जबकि फाइसोक्लिस्टस ब्लैडर में न्यूमेटिक डक्ट नहीं होता है. तो इसको हम थोड़ा अगर डिफरेंसेस पूछ लेता तो हम स्टडी करेंगे. द न्यूमेटिक डक्ट कनेक्ट टू द एयर ब्लेडर विद द ईसोफेगस. जो न्यूमेटिक डक्ट होता है ये ईसोफेगस को कनेक्ट करता है एयर ब्लेडर से, जिस तरीके से मैंने अभी बताया, इस तरीके से होता है, ये ईसोफेगस से इसे कनेक्ट करा दी, ये आपका दिस इज न्यूमेटिक डक्ट. ओके, तो ये काम पड़ता है न्यूमेटिक डक्ट. इस टाइप का जो एयर ब्लेडर होता है, यानी फाइसोस्टोमस टाइप का जो एयर ब्लेडर, गेनाइड फिसेस में पाई जाती है, डिप्नॉइड में, और सॉफ्ट रेड टेलियोस्ट में पाया जाता है. और इनमें क्योंकि इन फिसेस में फाइसोस्टोमस टाइप का एयर ब्लेडर होता है, इसीलिए इनको फाइसोस्टोमी भी कहते हैं इन फिसेस को. ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ना एंटीरियर चैम्बर होता है, पोस्टीरियर चैम्बर, मतलब एयर ब्लेडर टू चैम्बर में डिवाइड होता है, पोस्टीरियर चैम्बर और इंटीरियर चैम्बर. और इस टाइप का जो कंडीशन होता है ये पॉलिप्टरस में पाया जाता है, जिसमें चैम्बर में डिवाइड होता है. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा था, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये वाला आपका फाइसोस्टोमस टाइप का ही है, जिसमें आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि दो चैम्बर होता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर होता है. तो इस टाइप का जो पाया जाता है वो पॉलिप्टरस में पाया जाता है. यहाँ पे देखते हैं, पॉलिप्टरस हैज़ अ पेयर ऑफ अनइक्वल एयर सैक्स. तो इसमें ना टू पेयर, यानी बाई लोब्ड एयर ब्लेडर होता है, यानी इसमें टू लोब पाए जाते हैं.
यानी टू एयर सेक्स पाई जाती हैं जो कि अनइक्वल साइज़ की होती है, एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। द लेफ्ट बींग स्मॉलर देन द राइट, जिसमें जो लेफ्ट वाला होता है वो स्मॉलर होता है जबकि राइट वाला है लार्जर साइज़ का होता है। मान लीजिए ये आपका इसोफेगस हो गया, अब इसी से जुड़ा दो इस तरीके से डक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा डक्ट हो गया, डक्ट ये आपका एक स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे साइज़ थोड़ा स्मॉल बना देती हूँ मैं, ओके ये देखिए, ठीक है, इस टाइप में देखिए। तो ये जो लोब है ये थोड़ा बड़ा है, जिसे राइट वाला लोब कह रहा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो लेफ्ट और राइट लोब होता है। यहाँ पे इस तरीका का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, स्मॉल लेफ्ट सेक हो गया और राइट लार्ज सेक हो गया, ये आपका ग्लॉटिस होती है यहाँ पे, ओपनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पॉलिप्टेरस का होता है। लेपिडोसिरेन में क्या होता है, लेपिडोसिरेन एंड प्रोप्टेरस में डबल एयर सेक होता है, इसमें भी डबल एयर सेक होता है। एंड जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस का जो इसमें क्या होता है, जो ग्लॉटिस होता है वो कंट्रोल किया जाता है, एक मूवेबल प्लेट होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, तो ग्लॉटिस को कंट्रोल एपिग्लॉटिस करता है। इन मैनी टेलियोस्ट, जो टेलियोस्ट फिसेस होती हैं जिसमें फाइसोस्टोमस ब्लेडर होता है, उसमें डॉर्सल ओपनिंग होती है, तो उसमें बेसिकली डॉर्सल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो टेलियोस्ट में होते हैं। इन एराइथ्रिनस, एराइथ्रिनस फिसेस में क्या होती है, द एयर ब्लेडर कंजिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंटीरियर चैम्बर, इसमें जो एंटीरियर चैम्बर होती है स्मॉल होती है, एंड अ लॉन्ग पोस्टीरियर चैम्बर, इसमें लॉन्ग पोस्टीरियर चैम्बर होता है, इसमें जो साइज होती है चैम्बर की अनइक्वल होती है, और इसमें जो ओपनिंग होती है वो लैटरल होती है, और ये क्या करता है, ट्रांजिशन फेज शो करता है कि जो लंग है, फ्रॉम लंग टू एयर ब्लेडर, ये ट्रांजिशन स्टेज शो करता है। अब आते हैं एमिया में, एमिया और लेपिडोस्टेरस में क्या होता है, इसमें जो होता है एयर ब्लेडर सिंपल टाइप का होता है लेकिन बहुत लॉन्ग होता है, और एयर ब्लेडर की जो ओपनिंग होती है डॉर्सल होती है। अब आते हैं नियोसेरेटोडस में क्या होता है, इसका भी डायग्राम भी देखेंगे। नियोसेरेटोडस में सिंगल एयर सेक होता है, यानी इसमें ये सिंगल लोब्ड होता है, इसमें दो लोब नहीं पाया जाता जैसे अभी पॉलिप्टेरस में हमने देखा था, और इनकी जो वॉल होती है वेस्कुलराइज्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये तो आपको समझ आ गया, इसमें डक्ट है तो ये आपका फाइसोस्टोमस का, इसमें डक्ट नहीं है तो फाइसोक्लिस्टस का हो गया। तो इस टाइप का जो ये दिख रहा है ना, इसमें टू लोब दिख रहा है, वो भी क्या है, बाइलोब दिख रहा है, इक्वल साइज का दिख रहा है। तो ये किसका एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा ये प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसिरेन में क्या होता है, जो एयर ब्लेडर होता है वो बाइलोब्ड होता है और इक्वल साइज का होता है, इक्वल साइज़ का होता है, जबकि पॉलिप्टेरिस में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें इक्वल साइज़ का होता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर, और डॉर्सल जो होता है डॉर्सल आउटग्रोथ, डॉर्सल ओपनिंग होती है इसकी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका नियोसेरेटेडस, नियोसेरेटेडस में सिंगल लोब होता है, ये मैंने आपको बताया, और ये देखिए ये डॉर्सल से आपका इधर जा रहे हैं, नियोसेरेटेडस में सिंगल लोब होता है, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये नियोसेरेटेडस का है, ओके नियोसेरेटेडस का आपने देख लिया। अब आते हैं एमिया लेपिडोस्टेरस का, लेपिडोस्टेरस का जो लेपिडोस्टेरस है उसका देखिए, इसकी डॉर्सल ओपनिंग होती है, ये आप इसमें भी आपका देख सकते हैं सिंगल लोब है। नेक्स्ट आते हैं आपका एरिथ्राइनस का जो है, इसमें आपको बताया था कि मैंने इसमें टू चैम्बर होता है, एक एंटीरियर चैम्बर होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, एक लॉन्ग होता है, एक स्मॉल चैम्बर होता है, तो ये आपका एरिथ्राइनस का हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम फाइसोक्लिस्टस ब्लैडर का देखते हैं, ठीक है। फाइसोक्लिस्टस ब्लैडर में क्या होता है, इसमें तो पहला फीचर हो जाएगा कि इसमें
जो फाइसोक्लिस्टर ब्लैडर होता है ये पहले फाइसोस्टोमस एयर ब्लैडर की तरह डेवलप होता है, लेकिन लेटर डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, इसमें न्यूमेटिक डक्ट जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, इसमें न्यूमेटिक डक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। द फीसेज हैविंग फाइसोक्लिस्टस ब्लैडर इज कॉल्ड फाइसोक्लिस्टाई। तो फाइसोक्लिस्टी या फाइसोक्लिस्टाई कहते हैं जिसमें फाइसोक्लिस्टस टाइप का एयर ब्लैडर होता है। और ये जो इस टाइप का जो होता है ना, कंप्लीटली क्लोज्ड फाइसोक्लिस्टस एयर ब्लैडर जो होता है ये किस में पाया जाता है, ये टोड फिश, कॉड और हॉट डॉग में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इसलिए टोड फिश में पाया जाता है इस टाइप का, टोड फिश में, कॉड में एंड हॉट डॉग में ये पाया जाता है इस टाइप का, जिसमें न्यूमेटिक डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ये क्लोज्ड सेक होता है एंड इट हैज़ टू चैम्बर, इसमें दो चैम्बर होता है, एक एंटीरियर चैम्बर होता है एंड पोस्टीरियर चैम्बर, इसमें भी टू चैम्बर होता है। ये दोनों जो आपस में कनेक्टेड होते हैं डक्टस कम्युनिकेंस या कम्युनिकेशन से, ये दोनों चैम्बर आपस में डक्टस कम्युनिकेंस या कम्युनिकेशन से कनेक्ट होते हैं। जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है ब्लड का, ब्लड वेसल का बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है, जिसे हम रेटी मिराबिल या मिराबाइल कहते हैं, एंड अ गैस सिक्रीटिंग एरिया होता है जिसे गैस ग्लैंड कहते हैं। अब रेटी मिराबिल और गैस ग्लैंड को हम जोड़ के कहते हैं रेड बॉडी, ठीक है, रेड बॉडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेड बॉडी होती है वो कंसर्न होती है सिक्रीशन ऑफ गैस इनटू द ब्लैडर फ्रॉम द ब्लड, तो ब्लड से ब्लैडर में सिक्रीट करने के लिए जो गैसेस होती हैं इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है रेड बॉडी। जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड ऑफ द पोस्टीरियर चैम्बर हैज़ टू पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल बॉडी। तो जो पोस्टीरियर चैम्बर का डॉर्सल साइड होता है ना, वहाँ पे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओवल बॉडी कहते हैं, जो कि इट कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन बाय स्फिंक्टर मसल्स। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड होती है स्फिंक्टर मसल्स पे। तो इसमें एक रेड बॉडी होती है, एक ओवल बॉडी होती है। जो ओवल बॉडी होती है ये कंसर्न करती है गैस रिजॉर्प्शन से फ्रॉम द ब्लेडर, ब्लेडर से गैस रिजॉर्प्शन से रिजॉर्प्शन में हेल्प करती है। जब स्फिंक्टर क्या होता है, ओपन होता है, तो ओवल बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है गैस, कहाँ से, ब्लेडर से। द री एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इज स्टिमुलेटेड बाय द कैटेकोलिन माइंस। तो इसी इस न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से क्या होता है, ये स्टिमुलेट होता है री एब्जॉर्प्शन जो होता है गैस का, ये स्टिमुलेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका फाइसोक्लिस्टस टाइप का जो एयर ब्लैडर है उसका स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए मैंने बताया था कि जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर के आप यहाँ पे देखिए, पोस्टीरियर के डॉर्सल साइड में एक चैम्बर होता है जिसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, इसको हमने कहा था ये ओवल बॉडी होती है। तो ये ओवल बॉडी है चैम्बर की पोस्टीरियर साइड पे, जो कि डॉर्सल साइड है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैस ग्लैंड होता है, और ये जो पतला पतला आपको दिख रहा है रेटी मिराबिल कहते हैं, जिसे इनको दोनों को आपस में मिला के इसको रेड बॉडी बोला जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पूरा ब्लड सप्लाई दिखा रहा है फाइसोक्लिस्टस टाइप ऑफ एयर ब्लैडर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम टू द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हाइड्रोस्टेसिस, हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्टेसिस क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर इज हाइड्रोस्टैटिक, दैट इज इट सर्व टू कीप द फिश एट द सेम डेंसिटी एज द वाटर। तो ये क्या करता है, फिशेज में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है वाटर में रहने के लिए, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है वो जो बॉडी है जो उस पर फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी का कंपैरिजन करना पड़ता है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि पानी की डेंसिटी बहुत कम होती है जब आप उसको लेमन में डालते हो, तो बॉडी की डेंसिटी लेमन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसमें सिंक कर जाते हैं
उसी तरीके से ये फिसेस क्या होती हैं, फ्लोट ना हो, सॉरी सिंक ना हो जो बॉटम पे, यानी गिर ना जाए, इसलिए इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि इनके लीवर में, इनके लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, ऑयल रिजर्व होता है, ताकि जो आपको पता है ये ऑयल जो होता है फ्लोट करता है पानी में, तो ये मॉडिफिकेशन होती है। इनकी बॉडी थोड़ी हल्की भी होती है और इस टाइप के चेंजेस इनमें होते हैं। तो हाइड्रोस्टेसिस का मतलब है कि द एयर ब्लैडर क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गैस भरा होता है। अब गैस भरी चीज़ें होती है तो गैस फिल्ड होता है, इसकी वजह से ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है, यानी सिंक नहीं करे इसलिए ये हेल्प करता है। तो एयर ब्लैडर क्या करता है, हेल्प करता है, फंक्शन क्या है, हाइड्रोस्टेटिक फंक्शन होता है, जो कि सर्व करता है कि जो फिश है उसको वाटर की डेंसिटी के साथ मैच करने के लिए। अगर फिश की बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा या सिंक कर जाएगा। तो बाय द सिक्रीटिंग ऑफ रिजॉर्बिंग गैसेस द फिश कैन एंड अल्टर द अमाउंट ऑफ गैस एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ ब्लैडर। तो जो सिक्रीटिंग गैस होती है उसके रीएब्जॉर्बिंग से जो फिश होती है वो गैस के अमाउंट को अल्टर कर सकती है और इंटरनल प्रेशर जो है एयर ब्लैडर में उसको मेंटेन कर पाती है। इन अदर वर्ड्स द एयर ब्लैडर हेल्प्स टू चेंज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड दस रेगुलेट्स बायोन्सी एट द डिफरेंट डेप्थ्स। सो ये बायोन्सी को भी मेंटेन करता है, आपको बायोन्सी मैंने बताया, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है ना, तो इनको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करने के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये एयर ब्लैडर। नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। आप ये साउंड प्रोडक्शन का आप समझिए, ये इम्पॉर्टेंट है साउंड प्रोडक्शन। जो साइनोशियन फिशेज होती हैं उनमें साउंड वाइब्रेशन जो होता है वो स्नोरिफिक मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एंड दीज आर द स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं डॉर्सल बॉडी वॉल से, एंड और ये क्या होती हैं, इंसर्ट होती हैं ऑन द एयर ब्लैडर। ये जो ओरिजिनेट होती हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ होती हैं, डॉर्सल बॉडी वॉल से, और क्या करती हैं, और ये कहाँ जाती है, ब्लैडर के ऊपर जाती है इस तरीके से। तो ये साउंड वाइब्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड। एयर ब्लैडर ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोनेटर और एम्पलीफायर की तरह काम भी करता है एयर ब्लैडर। बैलिस्टस जो फिशेज होती हैं उनमें साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्राइडुलेशन और स्क्रैच, या फिर कह सकते हैं रबिंग, रब होता है ना जब, स्क्रैच होता है जो बेसल बोन्स होती हैं जिसे पेल्विक गिर्डल कहते हैं, जब आपस में बोन्स जो होती है पेल्विक गिर्डल्स की आपस में रब होती हैं या टकराती हैं तो उनसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये जो साउंड होता है ना इनलार्ज हो जाता है या एम्पलीफाइड हो जाता है एयर ब्लैडर द्वारा, कनेक्टेड टू द पेल्विक गिर्डल से कनेक्टेड होता है, उससे क्या होता है कि जो साउंड होता है वो जाके एयर ब्लैडर से इनलार्ज हो जाता है। तो साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है आपका साउंड एंड प्रेशर रिसेप्शन और स्विम ब्लैडर क्या काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन विद इंटरनल ईयर, यानी स्विम ब्लैडर एंड इट्स रिलेशन विद इंटरनल ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था ईयर एयर कनेक्शन कहते हैं जिसे, तो ईयर एयर कनेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम ऑडियो इक्विलिब्रेशन जो ऑर्गन है इंटरनल ईयर का उसमें रिलेशन देखेंगे। कार्प और कैट फिश जो होती है ना उनमें एयर ब्लेडर जो होता है कनेक्टेड होता है किससे, इंटरनल ईयर से, बाय अ चैन ऑफ स्मॉल बोन्स, और जिसे हम वेवेरियन वॉस ऑसिकल्स कहते हैं। जो फिशेज होती हैं जैसे कि कार्प्स एंड कैट फिशेज, इनमें एयर ब्लेडर जो होता है इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है, एक चैन होता है स्मॉल बोन, छोटे छोटे बोन्स होते हैं जिसे आपस में फ्यूज़ होते हैं, जिससे क्या होता है कि जिसे हम वेवेरियन ऑसिकल कहते हैं, इसी के थ्रू जो एयर ब्लेडर होता है वो कनेक्टेड होता है, और क्या होता है, ऑन ईच साइड, तो ये दोनों साइड से कनेक्टेड होता है, एंड दीज आर ट्राइपस, और ये जो बोन्स होती हैं इनको यानी वेवेरियन ऑसिकल्स के अंदर ट्राइपस आता है, इंटरकैलेरियम आता है, स्कैफियम आता है, इन्हीं को इन्हीं ये इन्हीं के थ्रू कनेक्टेड होता है ईयर ब्लैडर।
सॉरी एयर ब्लेडर ईयर इंटरनल ईयर से कनेक्टेड होता है एंड दीज आर ड्राइव फ्रॉम द वर्टिब्री. इनका जो ओरिजन होता है इन बोन्स का, ये वर्टिबर कॉलम जो होते हैं वर्टिब्री होती हैं उनसे होता है. द एंटीरियर फोर वर्टिब्री, या कहीं कहीं पे आपको थ्री भी दिखेगा, जो जो एंटीरियर फोर वर्टिब्री होती है ना आपस में फ्यूज हो जाती हैं. एंड जो उनका लेटरल पार्ट होता है, और जो लेटरल पार्ट होता है वो डी अटैच्ड हो जाता है टू फॉर्म ऑसिकल्स. तो ऑसिकल बनाने के लिए जो आगे की जो वर्टिब्री होती हैं 3 to 4 वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं. एंड दीज ऑसिकल कन्वे द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड कॉज्ड बाय द प्रेशर चेंज फ्रॉम द ब्लेडर टू इंटरनल ईयर विच कंटेन रिसेप्टर ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस. तो बेसिकली ईयर में रिसेप्टर होते हैं ईयर हियरिंग और बैलेंस के. तो जो ऑसिकल्स होता है ये वाइब्रेशन को कन्वे करता है, जो कि साउंड किसके थ्रू कॉज हो रहा है, प्रेशर जो चेंज हो रहा है ना फ्रॉम एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर से जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो उसको जाके इंटरनल ईयर तक लेके जाता है, जहाँ पे वो रिसेप्टर होता है हियरिंग एंड बैलेंस के, इसके थ्रू उसको वहाँ पे पता चल जाता है. तो हम वेवेरियन एपरेटस को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं. ये जो वर्टिब्री है इसमें से आपको कहा गया था 3 to 4 जो वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ हो जाती है और ये साइड से डिटैच हो जाती है और ऑसिकल्स ओवेरियन ऑसिकल्स बनाती हैं. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है, ये एंटीरियर चैम्बर है, ये पोस्टीरियर चैम्बर है. ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है इसको एयर ब्लेडर कहते हैं, यानी स्विम ब्लेडर कहते हैं. उसके बाद से आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से स्ट्रक, ये रिब्स होता है, ठीक है. ये आपका वर्टिब्री है जिसमें से हम कह रहे थे 1 to 4 जो वर्टिब्री है फ्यूज़ हो जा रहा है. तो ये जो आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है इसको, और यहाँ पे इस तरीके से है, इसको हम इंटरकैलेरियम कहते हैं, इसको इंटरकैलेरियम कहते हैं, सॉरी माय मिस्टेक. हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ट्राइपस कहते हैं. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बोन्स दिख रहा है इसको ट्राइपस कहते हैं. और इंटरकैलेरियम कौन सा होता है, ये जो आपका इंटरकैलेरी जो होता है बीच से जोड़ रहा है, ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ये इंटरकैलेरी होता है. अब बाकी जो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका ट्राइपस होता है, ठीक है. और ट्राइपस हो गया, इंटरकैलेरियम हो गया. अब हम बात करेंगे इसमें और कौन सी बोन्स होते हैं. स्कैफियम कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर का है जो इंटरकैलेरियम है वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटर बना हुआ है, यहाँ पे इंटरकैलेरियम है. तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं स्कैफियम, ठीक है, स्कैफियम. और ये आपस में मिलके ओवेरियन ऑसिकल्स बनाती है, इन तीनों को मिला के ओवेरियन ऑसिकल्स बन रहा है. बाकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इंटरनल ईयर की बात करें तो इंटरनल ईयर देखते हैं, और यहाँ पे इंटरनल ईयर की बात करें तो आपको ये कैनाल जैसा दिख रहा है ये अंदर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम यूट्रिकुलस कहते हैं, ठीक है, यूट्रिकुलस कहते हैं. और बाकी ये जो आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये से हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं. जो सर्कुलर दिख रहा है स्ट्रक्चर अंदर वाला, ये यूट्रिकुलस हो गया और ये सेमी सर्कुलर हो गया. बाकी जो ये दो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहे हैं टिथ जैसे, इसको सैकुलस कहते हैं. और ये एक आपका सैकुलस होता है, एक आपका लेगना होता है, ये दो है ना, एक सैकुलस एक लेगना, और इन पूरे को मिला के ही आपका क्या होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट है, ठीक है. ये क्लियर हो गया आपको. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, ये देख सकते हैं. वेवेरियन ऑसिकल्स का मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये तीनों यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ये आपको जैसे बताइए ट्राइपस होता है यहाँ पे, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका ये तो लिगामेंट्स हो गया, और ये आपका क्लॉस्ट्रम नहीं दिखाया है मैंने वहाँ पे, क्लॉस्ट्रम हो गया, एक आपका स्कैफियम हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इंटरकैलेरियम है. तो इसका हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे. बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पूरा कनेक्शन दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है इंटरनल ईयर से. तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है. एक बार मैं और लेवल कर देती हूँ. ये आपका यहाँ पे तो ये ब्लेडर हो गया, एयर ब्लेडर, ये रिब्स हो गया आपका, और ये जो वर्टिब्री है आपका वर्टिब्रल कॉलम है इसमें से आप देख सकते हैं ये जो तीनों बना रहे हैं ऑसिकल्स बना रहे हैं. और ये जो स्ट्रक्चर है आपको देख रहे हो ट्राइपस कह रहे हैं इसको, और यहाँ पे जो पतला सा पाइप जैसा दिख रहा है इसको इंटरकैलेरियम कह रहे हैं. और ये वाला स्ट्रक्चर जो इसका इसी का पार्ट है इसी में, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे इसको, लेट मी शो यू, यस, ट्राइपस हो गया, स्कैफियम कह रहे थे. यहाँ पे स्कैफियम नहीं दिख रहा है, आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है,
हाँ है तो स्कैफियम, सॉरी स्कैफियम है यहाँ पे, स्कैफियम है और क्लॉस्ट्रम है, एक स्कैफियम एक क्लॉस्ट्रम हो गया। तो इस पूरे को ही हम क्या कह रहे हैं, इन बोन्स को ही हम ऑसिकल्स कह रहे हैं। ईयर बोन आप देख सकते हो, ईयर ईयर इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर, ये आपका जो ये वाला था, ये दोनों अलग अलग था, लेगना सेकुलस, और ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया था, ये यूट्रिकुलस हो गया, यहाँ पे बना हुआ है ये यूट्रिकुलस। तो स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी मैंने दिखा दिया, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी अलग से डिटेल में दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट, आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इसका, एसेसरी एयर ब्रीदिंग एयर ऑर्गन की तरह, ब्रीदिंग ऑर्गन की तरह भी काम करता है एयर ब्लेडर। मैनी फाइसोस्टोमस फिसिस यूजेज द ब्लेडर एज अ टेम्प्रेरी और सप्लीमेंट्री ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। तो बहुत सी ऐसी फाइसोस्टोमस फिसेस होती हैं जो एज अ सप्लीमेंट्री या फिर टेम्प्रेरी एयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज़ करती हैं एयर ब्लेडर को, जैसे कि एमिडा हो गया, लेपिडोस्टेरस हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। इसमें क्या होता है, फैकल्टेटिव या फिर इंसिडेंटल एयर ब्रीदर्स होते हैं ये, तो इसीलिए ही यूज़ करते हैं। ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एयर एयर ब्रीदर की बात करें तो इसमें दो थ्योरी दी है, मतलब थ्योरीज हैं ओरिजिन को, पहले की ओरिजिन कैसे हुआ है। तो पहला जो थ्योरी था, एयर ब्रीदर इज़ द फोर रनर ऑफ, तो एयर ब्लेडर को पहले ये कहा गया कि एयर ब्लेडर पहले डेवलप हुआ, बाद में लंग्स डेवलप हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पेयर्ड एयर ब्लेडर इज़ द फोर रनर ऑफ द लंग एंड द स्विम ब्लेडर। तो ये क्या है, जो एयर ब्लेडर है, पेयर्ड एयर ब्लेडर है, ये फोर रनर है किसका, लंग इसका, स्विम ब्लेडर, यानी पहले एयर ब्लेडर डेवलप हुआ। और एयर ब्लेडर में हैव ओरिजिनेटेड रियर पेयर ऑफ गिल पाउचेस, दीज लॉस्ट देयर एक्सटर्नल गिल सीट एंड बिकम स्टोरेज ऑर्गन ऑफ एयर स्टोरेज। तो इसका माना जा रहा है कि जो एयर ब्लेडर है ये गिल पाउचेस से, पेयर ऑफ गिल पाउचेस से अराइज हुआ होगा, ओरिजिनेट हुआ होगा, जो कि क्या होते हैं, एंड इन फेसेस में क्या हुआ, जो गिल स्लीट है, एक्सटर्नल गिल सीट है, धीरे धीरे क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, और ये क्या बन जाता है, स्टोरेज बन जाता है, और स्टोरेज ऑर्गन बन जाता है ऑफ एयर सेक और गैस। तो इसीलिए इसको एयर ब्लेडर कहने जाता है, मतलब एयर का स्टोरेज हो गया तो एयर सेक हो जाता है, तो एयर सेक मतलब एयर ब्लेडर। तो इवोल्यूशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, एयर ब्लेडर बिकम मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप इन डिफरेंट वेज। पहला, दे बिकम लॉस्ट इन कॉन्ड्रिकिथस एंड सम टेलियोस्ट, जो कार्टिलेजनस फिसेस है उसमें तो होता नहीं है, और सम कुछ ऐसे टेलियोस्ट भी उनमें भी नहीं होता है। दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन एज अ स्विम ब्लेडर इन मोस्ट एक्टिनोप्टेरिजाई, रेफिन फिसेस में ये स्विम ब्लेडर की तरह काम करने लगता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और दे बिकम स्पेशलाइज्ड एज अ लंग, कुछ में ये लंग्स की तरह काम करता है, जैसे सार्कोप्टेराइज में, एंड देयर टेट्रापोड डेरिवेटिव, और टेट्रापोड जो डेरिवेटिव होती हैं उनमें ये लंग्स की तरह भी काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो थ्योरी है, क्या है कि लंग इज़ द फोर रनर, लंग क्या है, फोर रनर है। फोर रनर मतलब यहाँ पे कि लंग पहले डेवलप हुआ, बाद में एयर ब्लेडर डेवलप होता है। इसका एक इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द पेयर्ड लंग इज़ द फोर रनर ऑफ द लंग एंड स्विम ब्लेडर। ठीक है, तो जो पेयर्ड लंग है ये इसी से डेवलप हुआ, जो लंग और स्विम ब्लेडर है, पहले लंग डेवलप हुआ उसके बाद ये डेवलप हुआ। तो इसमें ये कहा गया था जो लंग्स की प्रेजेंस है बहुत प्रिमिटिव है, बाद में एयर ब्लेडर डेवलप हुआ था। इसका मैं इमेज आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सेकेंड थ्योरी, यानी लंग्स जो है वो पहले डेवलप हुआ, तो ये बताता है, ये जो थ्योरी है ये बताता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पेयर्ड लंग से आपका प्रोटोप्टेरस गट डेवलप हुआ, लंग्स डेवलप हुआ, फिर ये एरिथ्राइनस टाइप में डेवलप हुआ, टेट्रापोड्स में आया, फिर यहाँ से आप देखिए ये पोस्टीरियर चैम्बर बना, एंटीरियर चैम्बर बना, ये फिर फाइसोस्टोमस टेलियोस्ट में और फाइसोक्लिस्टर टेलियोस्ट में, इस तरीके से ये अलग हो जाता है और ये बन जाता है आपका एयर ब्लेडर। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट क्या होता है ये भी जान लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम वेवेरियन ऑसिकल या वेवेरियन एपरेटस क्या होता है उसको डिटेल में देखेंगे। एयर ब्लेडर जो होता है इसको क्लीन करके, ड्राई करके और एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में,
और ये एक आइजिंग ग्लास यानी एक ग्लू जैसा एक जिलेटिनस सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ साइनी पाउडर। इसमें जो साइनी पाउडर, चमकता हुआ पाउडर, जो चमक होती है, ऐसा पाउडर प्रोवाइड करता है। एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ये, आइजिंग ग्लास प्रोवाइड करता है। द लस्ट्रस नेचर यानी जो साइनी नेचर है, ऐसा चमक रहा है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्वानिन क्रिस्टल्स। ये ग्वानिन क्रिस्टल की वजह से इसमें थोड़ी सी साइनी है, चमक रहा है। आइजिंग ग्लास इज यूज एन एन एब्जॉर्बेंट इन वाइन मेकिंग, और ये एब्जॉर्बेंट की तरह या क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन में यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन जेली, मेकिंग जेली फॉर फूड। एंड ये जेली बनाने में भी यूज़ हो रहा है, एंड कॉन्फेक्शनरी में भी इसका यूज़ किया जाता है। मिठाई जहाँ पे बनती है ना, जेली बनती है, मिठाइयाँ जहाँ पे बनती हैं, एंड कॉन्फेक्शनरी में इसका यूज़ होता है, फूड बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपको MSc जूलॉजी के PDF चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको और भी इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए फिशेस के बारे में, जैसे कि फिन्स, कॉडल फिन्स क्या है, इसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी।